तो फिर मैं ज्यादा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि मुझे अब ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 ईयर का ड्रॉप हो चुका था। घर से प्रेशर तो नहीं था, मम्मी भी हमेशा सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया कि कर सकती हो। 6 महीने का कोर्स ज्वाइन किया और मैंने किया और आज मेरे रैंक 221 है। सर को मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, मेरी हेल्प उन्होंने काफी बहुत की है इन 6 महीनों में। थैंक यू सर। चलिए एक और नई टॉपर से मिलते हैं, नेमसेट 22 की, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 221 है, जो वाराणसी से हैं और इन ज्योति नाम है, इनको एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ। तो सबसे पहले ज्योति, आपको एनआईटी वारंगल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और ज्योति अपनी सक्सेस जर्नी स्टार्ट करे इसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ज्योति का 3 ईयर का ड्रॉप है गर्ल्स के लिए, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में होता है कुछ अच्छा करने का, और जिनका मन में अच्छा करने का होता है वो समय नहीं देखते। ये कहने को हो सकता है 3 साल का ड्रॉप, पर मैं बोलूंगा कि कोई ना कई चीजें कारण होते हैं कई सारे। तो मैं चाहूंगा कि आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी जो है वो बताएं, और क्यों किस वजह से आपका ये गैप हुआ वो भी बताएं, और बच्चों को मोटिवेट करें जो लोग कई बार लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते या देर से डिसीजन लेते हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ज्योति सिंह एंड आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 221 एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी। मैंने जब स्टार्ट किया था अपना ग्रेजुएशन, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। इवन मैं तो बीएससी करना चाहती थी, बट मेरा बीएससी में एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए मैंने बीसीए ले लिया। बट मैं बीसीए जब तक कंप्लीट किया तो मुझे एमसीए कहाँ से होता ये भी नहीं पता था। नीमसेट का तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं तो ग्रेजुएशन के बाद एमसीए के लिए, यूपीएमसीए के लिए मैंने सोचा था, उसमें मैंने दिया था। बट मुझे उसको देने के बाद पता चला कि निमसेट भी कुछ होता है, तो फिर मैंने निमसेट 2-3 महीने के लिए ट्राई किया, प्रिपरेशन किया, दिया और मैंने रैंक भी लाई थी 600 समथिंग आया भी था। लेकिन मुझे उस टाइम एनआईटी रायपुर या समथिंग ऐसा कुछ मिल रहा था फर्स्ट ईयर ड्रॉप करने पर। बट मुझे लगा कि अगर मैं 1 ईयर और प्रिपरेशन कर सकती थी, कर लूँगी, तो मुझे हो सकता है उससे बेटर रैंक और बेटर एनआईटी मिल जाएगा। बट मैंने वहाँ पे कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि करना कहाँ से है। मैंने इंस्टीट्यूट भी सर्च किया बट मुझे कोई ठीक से लगा नहीं। मुझे उस टाइम सर सर का बिल्कुल भी पता नहीं था, ऑनलाइन में उतना सर्च नहीं किया था, मैं अपने फ्रेंड से ही बस पूछा था। तो मैंने सेल्फ स्टडी लिया, बट सेल्फ स्टडी से मेरा हुआ नहीं, मेरा रैंक और डाउन हो गया। 600 की जगह मुझे 1100 पे मैं चली गई। तो फिर मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि मुझे अब ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 ईयर का ड्रॉप हो चुका था। कुछ हेल्थ इश्यू भी था, इसलिए मैंने सोचा कि अब लेना चाहिए नहीं। बट सर सर के मैंने फिर वीडियोस कुछ देखे थे, मैं मैजिकल कैप्सूल से जुड़ी, वहाँ पे मैंने देखा कि सर की जो लॉजिक्स टेक्निक्स हैं उनको मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से सर से अगर मैं कनेक्ट हुई तो मैं बहुत अच्छे से आगे कर सकती हूँ। तो बट लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी इतना लेट हुआ था, रिजल्ट डिक्लेरेशन इतना लेट हुए थे कि मेरे पास टाइम ही बहुत कम बचा हुआ था। इवन मैंने सर की जो वीडियोज़ देखी, मैंने कहा ठीक है टाइम कम बचा हुआ है बट फिर भी मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने लास्ट ईयर जनवरी, मैंने इस ईयर के जनवरी में ही ज्वाइन किया था फास्ट ट्रैक कोर्स से। मैंने लास्ट वीडियो से मेरे सारे छूटे हुए थे पहले के, क्योंकि मुझे कवर करना था। बट इट्स ओके, कवर हो जाएगा। अगर मैं 2 ईयर का गैप लिया है तो उसमें मैंने कुछ सीखा ही था, ऐसा नहीं था कि मेरा सारा वेस्ट गया है। तो मैंने सर ने सारे वीडियोज अपलोड करा दिए थे, तो मैंने फुल डे नाइट में जितना मैं कोशिश किया कि मैं कर सकती हूँ मैंने किया, और इवन मैंने कवर भी किया सारे। सर ने डीपीडीज जो भी जितने भी मटेरियल दिए थे मैंने कम्प्लीटली किया, क्योंकि मुझे रैंक चाहिए थी। इवन मैं गर्ल्स हूँ तो घर से प्रेशर तो नहीं था, मम्मी भी हमेशा सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया कि कर सकती हो, 3 साल का ड्रॉप है, कोई मैटर नहीं करेगा, तुम एक अच्छी जगह पहुँच जाओगी। लोग पीछे का तुम्हारा क्या है कभी पास्ट नहीं पूछेंगे, प्रेजेंट हमेशा लोग हमेशा प्रिफर करते हैं देखना। तो मैंने ये 6 महीने का कोर्स ज्वाइन किया और मैंने किया और आज मेरे रैंक 221 है। सर को मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, मेरी हेल्प उन्होंने काफी बहुत की है इन 6 महीनों में। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति। देखिए अभी जो इसने बात बोली कि फर्स्ट ईयर में तो एनआईटी रायपुर मिला था, पर सेकंड ईयर में, क्योंकि कई बार होता है कि हम सेल्फ स्टडी में उतना डिसिप्लिन नहीं हो पाते, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, और अब निमसेट में जिस ढंग से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है स्कोर मार्क्स को लेकर, तो कई बार ऐसा हो जाता है। पर देखिए हिम्मत नहीं हारी और फिर तीसरा अटेम्प्ट में फाइनली इसने 221 रैंक प्राप्त की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ही मैं आप सबको बोलूंगा कि लाइफ में आप, और बिल्कुल सच बात है कि आप जब सक्सेसफुल होते हैं ना, कोई आपसे नहीं पूछता कि आपने कितने साल का ड्रॉप लिया था, आपने पास किया। अगर आप फेल्यूअर हो तो आपको कोई भी कुछ सुना देगा,
पर अगर आप सक्सेसफुल हो तो पास सब खत्म हो जाता है। तो आप सबको मैं एक बात बोलूंगा कि कभी भी लाइफ में कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि आज अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं, पहला कंप्रोमाइज अगर मान लो आप कोई भी डिग्री जब आप लेते हैं, चाहे आप बी कर रहे हैं, चाहे आप एमसीए कर रहे हैं, चाहे एमबीए कर रहे हैं, एक तो अच्छे कॉलेज से करें, ऐसे कॉलेज से करें जहां पर आपको लगता है कि जाके आप कुछ सीखेंगे, अच्छे क्राउड के साथ पढ़ेंगे, नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग कि कंप्रोमाइज में क्या होता है, जैसे आपने मान लो कॉलेज कंप्रोमाइज किया तो फिर आपको नौकरी कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, सैलरी, ग्रोथ, हर चीज। तो पहला कंप्रोमाइज रोकने से आगे के 100 कंप्रोमाइज रुक जाते हैं, और वही काम ज्योति ने किया। तो ज्योति ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और स्पेशली वो लोग जो बहुत जल्दी सब कंप्रोमाइज कर लेते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने काफी स्ट्रगल किया, आपकी मम्मी का बहुत सपोर्ट था, इनफैक्ट वो उनके साथ अलग फिजिकल प्रॉब्लम थी, आपको भी फिजिकल प्रॉब्लम्स बीच बीच में हुई, ब्रदर्स ने आपका सपोर्ट किया, तो आपका क्या मैसेज होगा? मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि एक बार ड्रॉप या फिर कभी भी ड्रॉप लेना हो तो ये ना सोचो कि अभी तुम्हारा रैंक क्या है। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो तुम्हें अपना 100% देना होगा। लाइफ में क्या चल रहा है वो एक अलग ही मैटर है, अगर आप उसको सोचोगे तो फिर कभी होगा ही नहीं। हमेशा पॉजिटिव माइंड करके हमेशा आगे फोकस करो कि इन फ्यूचर तुम्हें कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ बुरा नहीं होगा। आज जहाँ पे हो नेक्स्ट तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ही समझ के उसे तुम लेना, जब तक नहीं स्टार्ट करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो मेरा ये है कि फर्स्ट स्टेप हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए फर्स्ट स्टेप ही अभी, अब इसके आगे बहुत लॉन्ग जर्नी है, तो ऑल द बेस्ट सबके लिए है। तो बिल्कुल सही बात बोले ज्योति ने कि देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग सराउंडिंग प्रॉब्लम हो सकती, पर कैरियर अपनी जगह होता है, लाइफ अपनी जगह। ऐसी जॉब में होता है, आप आगे जाके जॉब करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपका काम, उन दोनों में कभी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसने इस बात का ध्यान रखा। तो ज्योति वंस अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं अब, क्योंकि आपको पता है कि अब लाइफ में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ये सक्सेस आपकी पूरी इंटायर लाइफ में काम आने वाली है, तो अब आप ऐसे ही आगे ग्रोथ करें। थैंक यू सर। थैंक यू।